हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिल्पीज किचन में। भाई बरसात का टाइम है, घर में बीमारियां लगी रहती हैं और हमें कुछ हेल्दी खाने की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसी हेल्दी रेसिपी जो बिना घी तेल की है और बहुत छोटी सी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है आधा कटोरी चावल। ये कच्चे वाले चावल है, मोटे वाले आपके पास जो भी हो आप वो ले सकते हैं। साथ में एक कटोरी ली है चने की दाल। अब इन दोनों चीज़ों को हम आधा घंटे भिगा कर रख देते हैं अच्छे से धुन कर। आधा घंटा इसके लिए सफिशियंट है। आधे घंटे में दाल और चावल अच्छे से फूल जाएंगे। ये देखिए नेल्स कड़ाने के बाद ही इसमें अच्छे से गड़ रहा है। अब हमने ले लिया है यहाँ एक मिक्सी का जार। अब हम इस दाल और चावल को इस मिक्सी के जार में पलट देंगे और एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। बहुत ही कम पानी में ये पिसकर तैयार हो जाएगी। इस मिक्सी के जार में मैं डाल रही हूँ अदरक के कुछ टुकड़े। आप यहाँ पर लहसुन प्याज का भी यूज कर सकते हैं, मैं आज लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। साथ ही मैं डाल देती हूँ नमक स्वादानुसार। अब हम इसको एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं, पानी बहुत ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। अब मैंने ले लिया है बड़ा सा बोल, मैंने इसमें आधा कप पानी डाला था, उसी से ये बैटर इतना पतला हो गया है। आप कोशिश करिए कम से कम पानी डालिए। अब इस बैटर में हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ कैरेट यानी कि गाजर। आप इसमें अपनी मन पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं, चॉप की हुई हरी मिर्च, प्याज डाल सकते हैं। मैं केवल यहाँ गाजर डाल रही हूँ, गाजर से इसका लुक थोड़ा अलग आएगा। एक टेबल स्पून के समथिंग डाल ली हूँ चिली फ्लेक्स, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ मैंने ले लिया है इस तरह की प्लेट, आप मोल्ड भी ले सकते हैं। मैं इसको दो तरह की प्लेट में बनाऊंगी, एक गोल में और दूसरा ये मैंने लिया है स्क्वायर यानी कि स्लैंडिक। अब आप जो भी आपके पास हो आप उसमें ग्रीस कर लीजिए अच्छे से। इन प्लेट्स को कर देते हैं साइड। अब हमारा जो बैटर है अब उसमें हम डालेंगे एक पाउच इनो का। आप चाहें तो यहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह आप जब बेकिंग सोडा का यूज कर रहे हैं तो आप पानी की जगह दही का प्रयोग कीजिए। मैंने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर पानी इतना ज़्यादा हो गया था तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप उसमें इनो के साथ हल्का सा पानी डाल लीजिए। ये देखिए कितने अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। हमें बिना टाइम गवाते हुए जो मोल्ड हमने तैयार किए हैं उसमें इस बेस को पलट देंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा ऊपर तक मत भरिए जिससे ये बाहर निकल जाए। दोनों ही प्लेटों को हमें थोड़ा थोड़ा खाली रखना है जिससे हमारा बैटर खराब ना हो यानी कि बाहर ना निकले। मैंने पैन में पानी पहले से ही गर्म करने रख दिया था। बिना टाइम वेस्ट किए हम इस मोल्ड को इसमें रख देंगे। कम से कम 20 मिनट इसको पकने में लगेंगे। 20 मिनट में ये अच्छे से हो जाएगा। हम स्टिक लगाकर देख देते हैं। देखिए स्टिक हमारी एकदम क्लीन निकल आई है यानी कि ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी किनारियाँ अपने आप से हटने लगेंगी, हमें कोई भी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। और हल्के हाथ से इसको टैप टैप कर दीजिए, बड़े आराम से ये निकल जाएगा। देखिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई इसे निकालने पर, लेकिन हाँ ध्यान रखिए ठंडा होने के बाद ये काम आपको करना है। इसी तरह हम अपना दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं, टैप करेंगे हल्का सा और ये निकल आएगा। निकालने के बाद इसको हम कर लेते हैं कट।
कट करने के लिए हमेशा की तरह मैंने यहाँ लिया है स्केल। स्केल से आराम से पूरा अच्छे से कट हो जाता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, एकदम शेप में कट होता है। देखिए मुझे कोई भी मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है, बस निशान लगाते जाइए और कट करते जाइए। इसको करते हैं साइड। गैस पर मैंने पैन रख लिया है, पैन को हल्का सा घी से मैं कर रही हूँ ग्रीस, ना ही मैं इस पर कोई तड़का डाल रही हूँ। जो मैंने इस लंबा वाला जो बनाकर रखा था उसको हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन करना है। एक तरफ से हल्का ब्राउन हो जाएगा तो दूसरी तरफ हम इसको पलट देंगे। अब हम इसको उतार लेते हैं। गैस पर मैंने पैन रख लिया है, पैन में डालेंगे एक टेबल स्पून के करीब राई, साथ ही में डाल देंगे करी पत्ता और एक कटोरी मैंने यहाँ पर बनाया है नींबू चीनी का पानी, वो भी इसमें डाल देंगे। जो हमने तड़का बनाया है उस तड़के को हम डाल देंगे इस गोल वाले बैटर में, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इसको करते हैं साइड। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इसकी हम कटिंग करेंगे बिल्कुल ब्रेड के जैसा, इसमें ना तो हम कोई तड़का लगाएंगे ना ही हम इसको इसमें कोई और घी या कुछ और करेंगे, और इसे सर्व करेंगे हम सॉस के साथ। आज की ये दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मैं आपको एक दिखाती भी हूँ कितना जालीदार, कितना मस्त और एकदम हेल्दी बनकर तैयार हुआ है। आप इसको एक बार खाएंगे, आप बार बार बनाएंगे, बाजार का ढोकला खाना भूल जाएंगे। खाने में इसका ढोकले से भी अलग टेस्ट है और एकदम हेल्दी है। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, टिल देन गुड बाय।